नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किड्स फैमिली में। दोस्तों, एक और बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से यह खबर निकल करके आ रही है। तो यदि आप भी बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण नंदन जी द्वारा एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी दी है कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में नियोजित शिक्षकों के मामले में समान कार्य समान वेतन वाले याचिका को खारिज करने के बाद से अब बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ हो चुका है। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नियोजित संस्थाओं के द्वारा रिक्तियों की जानकारी मांगी जाएगी और अभी चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो आचार संहिता जैसे ही कंप्लीट खत्म हो जाएगा उसके बाद से चुनाव के बाद से एक बड़ी शिक्षक भर्ती बिहार में होने जा रही है। दोस्तों, चलिए मैं उस आर्टिकल को आप लोग को दिखाता हूं। आप देख सकते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, चुनाव बाद होगी शिक्षकों की बहाली। चलिए बहुत कम समय लेते हुए इसे पढ़ देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। देखिए दोस्तों, ये दूसरी आर्टिकल है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अभी तो आचार संहिता लागू है, इसके खत्म होने के बाद सभी नियोजित इकाइयों से रिक्तियाँ मंगवाई जाएंगी, इन्हीं रिक्तियों के आधार पर वैकेंसी निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों, ये पूरा है और इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार में अभी हाल ही में 80,000 TET पास अभ्यर्थी हैं और इस बहाली से इन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और साथ ही साथ सीटेट जो अभ्यर्थी पास होंगे उनको भी मौका मिलेगा। और आपको यहां देख सकते हैं लास्ट थ्री लाइंस में बता दें कि अक्टूबर 2017 में पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की भर्ती पर रोक लगा रखी थी। दोस्तों, अब आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि निश्चित तौर पर इतने समय बाद से एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने जा रही है। तो करियर बिट की यह फैमिली आप सभी को इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।